हेलो एवरीवन, मायसेल्फ अनुज कुमार और आज 5 सितंबर है। तो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सभी को शिक्षक दिवस के बहुत बहुत बधाई। और मैं टीएमसी ऑनलाइन बाय अनुज सर चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास रात 8 बजे से लाइव आने वाला हूँ। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, फ्री ऑनलाइन कोर्स रहेंगे आपका। तो सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग मनाते हैं, तो उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ चर्चा कर ले। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का शिक्षक एक सहायक शिक्षक से विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति तक रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1909 ईस्वी से शिक्षक जीवन की शुरुआत मद्रास के फेसिडेंशियल कॉलेज से किए एक सहायक शिक्षक के रूप में। और इन्होंने और भारत के उपराष्ट्रपति से लेकर के राष्ट्रपति तक रहे, लेकिन इनका जीवन शिक्षक के रूप में बहुत इनको शिक्षक के रूप में रहना बहुत अत्यधिक पसंद था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के उपराष्ट्रपति 13 मई 1952 को उपराष्ट्रपति के रूप में हुए तथा राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1962 को राष्ट्रपति के रूप में रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण पहले शुरुआत जीवन में ये विज्ञान में रुचि रखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने दर्शन शास्त्र की ओर अपना रुचि रुझान किया। और इन्होंने अनेक अपने जीवन काल में अनेक पुस्तक की रचना की, जिनके कुछ प्रमुख पुस्तक रहे द फिलिपिन्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, द माय सर्च ऑफ तुथ के रूप में इनका कुछ प्रमुख किताब रहे। तो आप लोग को ये जानकारी देना था आज, तो इनके बारे में सर्वप्रथम इनके बारे में जानकारी दिए और इनको कोटि कोटि नमन जो इन सभी शिक्षकों के लिए कि इनके आदर्श पे लोग चले। थैंक यू।